इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का रोमांच अपनी चरम पर है। यहाँ पर सभी टीमें दूसरी टीमों को हराकर प्लेऑफ्स में पहुंचना चाहती हैं। ऐसे में बीती रात हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर में ही हरा दिया और ढाई ओवर शेष रहते जीत हासिल की। आपको बता दें कि इस मैच में चेन्नई की टीम के भी एक खिलाड़ी ने केकेआर को जीतने में मदद की। जी हां, आपको बता दें कि चेन्नई के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने इस मैच में चार ओवर में 39 रन दिए और दो कैच भी छोड़े। वहीं जडेजा ने बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 12 गेंदों में 12 ही रन बनाए। ऐसे में जडेजा को टीम की हार का जिम्मेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद कप्तान धोनी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी फील्डिंग करने की बहुत ज़रूरत है और अगर हम अच्छी फील्डिंग नहीं कर सकते हैं तो हम जीत के हकदार नहीं हैं। इशारों ही इशारों में धोनी ने ये कह दिया कि भाई हो सकता है कि जडेजा को अगले मैच में बैठना पड़े। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।